नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित कुमार। स्वागत करता हूं आपका आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, मैंने एक मार्केट रिसर्च पे वीडियो बनाई थी, उस पर एक कमेंट आया था। मिस्टर सुनील कुमार ने कमेंट किया था कि सर एक बुक पब्लिशर पे वीडियो बनाइए कि बुक पब्लिशर के काम क्या होते हैं, उनको GST कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, बुक में क्या क्या GST लगता है। तो इस टॉपिक पे वीडियो की डिमांड हुई थी। दोस्तों, मैं आपके लिए उसी टॉपिक पे बात करने आया हूं कि आप कैसे बुक पब्लिशिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे क्या क्या करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल्स कैसे करना है, प्रिंटिंग कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, ऑथर से कनेक्टिविटी कैसे करनी है, एंड रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, GST कैसे फिल करना है, GST कितना लगेगा, ये सारी की सारी बात करेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। तो बिना कुछ देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, सुनील कुमार ने कमेंट किया था कि बुक पब्लिशर का काम क्या होता है। देखिए, आप अगर बुक पब्लिशर के बारे में जानना चाहते हैं कि बुक पब्लिशर का काम क्या होता है, एक बार ध्यान से पूरी कंप्लीट वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो नंबर वन चीज है दोस्तों कि आप अगर बुक पब्लिशिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने माइंडसेट को सेटिस्फाइड करें। आर यू सेटिस्फाइड इन दिस बिजनेस? आर यू इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस? आर यू एक्सपर्ट इन दिस इंडस्ट्री? क्या आप एक्सपर्ट हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, या आपका इंटरेस्ट है इस इंडस्ट्री के अंदर? क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस बिजनेस से? क्या आप चैलेंज फेस करने के लिए तैयार हैं? आप पेशेंस रखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आप जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो चैलेंज तो आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, उनको फेस करना आपको आना चाहिए, पेशेंस रखना आना चाहिए। ये नहीं होता दोस्तों कि आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो कल आपका बिजनेस ऊंचाइयों पे चला जाएगा। नहीं, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य बना के रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सेटिस्फाइड रहें। देखिए दोस्तों, बुक पब्लिशर पे आप रिसर्च करिए, मार्केट के ट्रेंड्स पे रिसर्च करिए, मार्केट के ट्रेंड्स को समझिए। जब भी आप बुक पब्लिशर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज को एक्यूलेट कर पाएंगे, आप सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आप कौन सी बुक्स को पब्लिश करना चाह रहे हैं। फिक्शन बुक्स को पब्लिश करना चाह रहे हैं, नॉन फिक्शन बुक्स को पब्लिश करना चाह रहे हैं, या आप एजुकेशनल बुक्स को पब्लिश करना चाह रहे हैं। फिक्शन बुक्स क्या होती है दोस्तों? फिक्शन बुक्स दोस्तों कहानियों पर आधारित होती है। इसकी जो कहानियां होती हैं, इवेंट होते हैं एंड करेक्टर होते हैं, ये सारा के सारा ऑथर डिजाइन करता है। नॉन फिक्शन बुक्स दोस्तों वो बुक्स होती है जो कि डायरेक्टली रियल लाइफ पे बनी होती है। जैसे कि एक MS धोनी की मूवी है, तो सबसे पहले उसकी स्टोरी लिखी गई थी, तो स्टोरी जो है एकदम रियल लाइफ है। तो आप कौन सी बुक पब्लिश करना चाह रहे हैं ये सबसे पहले डिसाइड करें, ठीक है। दूसरी चीज आती है दोस्तों, बिजनेस प्लान बनाएं। बिजनेस प्लान बनाते वक्त आप मिशन, विजन, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन को एड ऑन करें। थर्ड चीज आती है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन। अब आपने बुक पब्लिश का बिजनेस स्टार्ट तो करना है, बट उसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपने बिजनेस के लिए नाम सोचना पड़ेगा, अपने बिजनेस के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो दोस्तों आप पार्टनरशिप पे कर सकते हैं, या आप LLC पे कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों अकेले बिजनेस करना चाह रहे हैं, सोल प्रोप्रिएटरशिप पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट के लिए भी आपको अप्लाई करना है। आप बुक लेंगे कोई भी, उसमें दोस्तों एक ISBN नंबर होता है। ISBN की फुल फॉर्म में आपको बता दूं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आप बुक पब्लिशिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। एंड काफी सारे छोटे छोटे ट्रेड सर्टिफिकेट होते हैं, उनके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाए, तब फोर्थ नंबर पे आता है दोस्तों, ऑथर कॉन्ट्रैक्टिंग। देखिए, बुक पब्लिशर का सबसे पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन के बाद ऑथर से कनेक्टिविटी करना, ऑथर से रिलेशनशिप बनाना, नए नए ऑथर को जानना, पुराने ऑथर से मिलना, उनसे अप्रोच करना मैन्यूस्क्रिप्ट के लिए। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है दोस्तों? मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब मैं आपको सिंपल मतलब बता देता हूँ। देखिए, जो ऑथर कॉन्टेंट लिखते हैं, तो कॉन्टेंट कैसे लिखते हैं? वो हैंड से लिखते हैं, हाथ से खुद से बना के लिखते हैं। तो वो जो हैंडमेड लिखा होता है, हैंडमेड जितना भी रिटर्न आइटम होता है, उसको कहते हैं दोस्तों मैन्यूस्क्रिप्ट। जब आपके पास मैन्यूस्क्रिप्ट आ गई, जब आपको रफली में कंटेंट लिखा हुआ मिल गया, फिर नेक्स्ट चीज आती है दोस्तों, एडिटिंग एंड डिजाइनिंग। आपको प्रोफेशनल एडिटर एंड प्रूफ रीडर को हायर करना है, जिससे वो मैन्यूस्क्रिप्ट को एनालाइज कर पाए एंड बुक को अच्छी तरीके से डिजाइन कर पाए। बुक में जो कंटेंट लिखा है उसका डिजाइन अच्छी तरीके से वो बना सके। एंड दोस्तों, कवर डिजाइन करना है, लेआउट बनाना है, ये सारा का सारा काम होता है दोस्तों बुक पब्लिशर का। अगर आप बुक
पब्लिशर का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली चीज आपको प्रोफेशनली एडिटर हायर करना पड़ेगा, प्रूफ रीडर को हायर करना पड़ेगा जिससे वो अच्छी तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट को एनालाइज कर सके। अगर आपको ये काम आता है तो आप खुद कर सकते हैं, एडिटिंग का आपको काम आता है तो आप खुद एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती है प्रिंटिंग, आपको रिवाइवल प्रिंटर से कनेक्शन बिल्ड करना है ताकि आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल सके प्रिंटिंग पे। नेक्स्ट चीज आती है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन, अब बुक को डिस्ट्रीब्यूट करना है बुक स्टोर पे, ऑनलाइन पे भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको डायरेक्ट पे भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला चीज आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप रिटेलर से होलसेलर से कनेक्शन बिल्ड करिए, रिलेशनशिप बिल्ड करिए। मैंने दोस्तों इसमें सबसे पहला चीज मैंने आपके लिए रिलेशनशिप ही बिल्ड करने के लिए बताया, क्योंकि बिजनेस जो होता है बिना रिलेशनशिप के चल ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेंगे तब तक आपका ट्रस्ट नहीं क्रिएट होगा, और जब तक ट्रस्ट नहीं क्रिएट होगा तब तक आप क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप क्वालिटी को नहीं मेंटेन कर पाएंगे तब तक आपका बिजनेस नहीं ग्रो हो सकता। तो आपको अलग अलग बिजनेसमैन से रिलेशनशिप बिल्ड करना है, जैसे कि प्रिंटर हो गया, ऑथर हो गए, होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, बुक स्टोर्स वाले हो गए, इनसे आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है ताकि आपकी बुक्स जो है अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। एंड दोस्तों ऑनलाइन में आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आपको अपनी बुक्स को सेल करना है। नेक्स्ट जाती है दोस्तों मार्केटिंग, देखिए आजकल आपको ज्यादातर लोग कहाँ मिलेंगे, आप खुद दिमाग लगाइए आजकल ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं लोग, सबसे ज्यादा दोस्तों सोशल मीडिया पे टाइम बिताते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि लोग सोशल मीडिया से ही हमसे कनेक्ट हों। उसके लिए आपको सोशल मीडिया पे ऐड लगवाना पड़ेगा अपने बुक्स का, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, यूट्यूब ऐड, गूगल ऐड का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती है सेल्स मैनेजमेंट, आपकी एक सेल्स की टीम होनी चाहिए जो कि कस्टमर्स के साथ, होलसेलर्स के साथ, रिटेलर्स के साथ अच्छे से एंगेज हो सके ताकि आपकी बुक जो है अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। नेक्स्ट चीज आती है राइट्स, आपको कुछ राइट्स ले लेने हैं जिससे आप अदर सोर्स से इनकम को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हर पब्लिशर अदर सोर्स से इनकम जनरेट करता है और उसके पास कुछ राइट्स होती हैं। राइट्स दोस्तों मैं कुछ नाम बता देता हूँ, FRTR, FR का मतलब दोस्तों होता है फॉरेन राइट्स, TR का मतलब होता है दोस्तों ट्रांसलेशन राइट, AR का मतलब होता है दोस्तों एडॉप्टेशन राइट्स। ये तीन राइट्स अगर आपके पास हैं तो अदर सोर्स से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये होता है दोस्तों पब्लिशर का काम। लास्ट चीज दोस्तों एक पब्लिशर एक काम और करता है, वो मार्केट के अपडेट को ध्यान में रखता है, क्योंकि हर वक्त मार्केट में न्यू बुक्स लॉन्च होती है, नई नई मार्केटिंग टेक्निक्स आती रहती है, उन पे भी वो नजर बना के रखता है ताकि उसका जो है बिजनेस ग्रो हो सके। अब दोस्तों बात आती है जीएसटी की, कि एक बुक को पब्लिश करने में कितना परसेंट जीएसटी लगता है। देखिए दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी की बुक पब्लिश कर रहे हैं तो उसमें आपको एक भी जीएसटी नहीं देना, एंड दोस्तों अगर आप प्रिंटिंग सर्विस ले रहे हैं तो उसमें आपको 18% का जीएसटी लगेगा। अगर दोस्तों आपके बिजनेस की एनुअल इनकम 20 लाख से ज्यादा है उस पर भी आपका 18% जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो ये तीन सोर्स है दोस्तों जीएसटी के। एंड लास्ट चीज आती है दोस्तों, एक पब्लिशर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एंड टाइम टू टाइम जीएसटी रिटर्न फिल करना पड़ता है। अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल केस में चालू करना चाह रहे हैं तो आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी 3 लाख से दोस्तों 10 लाख, एंड अगर आप इसको लार्ज स्केल पे अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी 10 लाख से दोस्तों 50 लाख। तो दोस्तों ये तो कुछ बुक पब्लिशर की लर्निंग सीरीज, आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।